बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे हाथ में टेक्नो का मोबाइल है, टेक्नो स्पार्क 10C। तो इसका हमने IMEI नंबर रिपेयर करना है और आपको इसका मॉडल नंबर भी दिख रहा है। तो सबसे पहले जो है वो हमने मोबाइल को ऑफ कर लेना है और फिर चलते हैं सिस्टम की तरफ। तो सिस्टम में आने के बाद यहाँ से हमने CM2 का जो MT2 वाला सेटअप है उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और डिवाइस मैनेजर में आपको इसका पोर्ट भी शो कराता हूँ कि ये कौन सा पोर्ट शो कराता है। तो उसके लिए मैंने डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लिया है और यहाँ सेटअप भी ओपन हो चुका है। मोबाइल को चूँकि हमने ऑफ़ कर लिया है तो उसमें USB इंसर्ट करके चेक कर लेते हैं, यहाँ पोर्ट शो हो जाएगा अभी। तो दोबारा से ट्राई करते हैं, तो आप देख रहे हैं MediaTek प्रीलोडर का पोर्ट शो कर रहा है। तो यहाँ से हमने जो है वो सिलेक्ट करना है टेक्नो और यहाँ से 11/2023 वाला जो बेस है वो सेलेक्ट कर लेना है और फिर उसके बाद आइडेंटिफाई डिवाइस पर क्लिक कर लेना है। तो मोबाइल जो है वो हमारे पास बूट स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसेस चालू है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ये सारा इसका इन्फो जो है वो हमारे पास आ चुका है और ये बैकअप अभी स्टार्ट है। मैंने ऑलरेडी चूंकि इसका बैकअप लिया हुआ है तो मैंने इसको स्किप कर दिया। या अभी न्यू सेटअप में आपको इसका FRP जो स्टेटस है वो भी दिखाता है कि इस पर FRP लॉक है या नहीं है। ये देख रहे प्रोब FRP ऑन, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको इसका जो इन्फो है वो भी दिखा देता हूँ। टेक्नो KI5Q, ये सारा जो डेटा है यहाँ पर आपके पास आ चुका है। फिर इसके बाद हमने जाना है यहाँ से सिक्योरिटी टैब पर और अपने दोनों IMEI नंबर जो है वो एंटर कर लेने हैं और इसके बाद जो है वो हमने रिपेयर पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से मैंने रिपेयर पर क्लिक कर लिया है और दोबारा से जो है वो मोबाइल में केबल इंसर्ट कर लेता हूँ अभी। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है अभी। राइटिंग जो है वो ओके डन, अपडेट NVRM। तो आप देख रहे हैं कि हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है।